क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत को चेन्नई के मैदान में वनडे सीरीज की पहली हार मिली और सीरीज में भारत पीछे हो गया। अब विशाखापट्टनम वनडे को हर हाल में जीतना होगा ताकि सीरीज में रहा जा सके। अब ऐसे में चेन्नई वनडे को देखें तो यहां चार बड़े खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने टीम इंडिया को मैच हरा दिया। भारत की हार के मुजरिम यही चार खिलाड़ी हैं। तो अब तो दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी इस पर बड़ी बात कह दी है। तो आपको बताते हैं कौन कौन है वो चार खिलाड़ी जो भारत की हार की सबसे बड़ी वजह हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी नजर में किसने हराया भारत को मैच। तो टीम इंडिया को चेन्नई में 8 विकेट से करारी हार मिली। अब ऐसे में हार की सबसे बड़ी वजह तो कप्तान विराट कोहली हैं। वो इसलिए ही नहीं कि सिर्फ विराट ने रन नहीं बनाए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि विराट ने बेहद अनबैलेंस टीम चुनी। विराट के पास गेंदबाजी के 6 ऑप्शन थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे थे जिनसे पूरे 10 ओवर गेंदबाजी कराई जा सकती थी। बाकी 20 ओवर्स में ही कहानी बिल्कुल बदल गई। शिवम दुबे युवा हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी 10 ओवर लायक नहीं है, ये समझना होगा। साथ ही केदार जाधव भी सिर्फ पार्ट टाइमर ही हैं। यही नहीं, स्प्रिंट फ्रेंडली विकेट पर चहल को बाहर रखना भी बेहद गलत फैसला साबित हुआ। हार के दूसरे बड़े मुजरिम हैं उपकप्तान रोहित शर्मा। आंखें जमने के बाद हिटमैन अपना विकेट फेंक कर चले गए और रोहित ने बेहद गैर जिम्मेदार शॉट खेला जिस पर हिटमैन आउट हुए। हार के तीसरे मुजरिम शिवम दुबे हैं। बैटिंग के दौरान दुबे जी रन नहीं बना पाए, जबकि आखिरी मौके पर उनसे फटाफट रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। यही नहीं, 8 ओवर की गेंदबाजी में भी शिवम दुबे ने 70 रन लुटा दिए और उनकी गेंदबाजी हार की सबसे बड़ी वजह बन गई। हार के चौथे एक और बड़े मुजरिम है रविंद्र जडेजा। जडेजा भी बल्लेबाजी में बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए और उनकी गेंदबाजी भी बेहद प्रभावहीन रही। जडेजा ने 10 ओवर के कोटे में 58 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं लिया और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने उनकी गेंदों पर बेहद आसानी से रन बनाए। मैच के बाद दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी कहा कि अब बहुत ज्यादा प्रयोग ठीक नहीं है और विराट कोहली को 5 विशुद्ध गेंदबाज टीम में रखने ही चाहिए। ऐसे खिलाड़ी टीम में नहीं होने चाहिए जो न बैटिंग कर पाते हैं और न ही बॉलिंग। गावस्कर का इशारा साफ साफ शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की तरफ था। तो कुल मिलाकर ये थे हार के चार मुजरिम। वैसे टीम इंडिया को प्रयोगों से बाहर निकलकर मैच जीतने के लिए खेलना ही होगा। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।